बद्रवास नगर के पुलिस ग्राउंड के पास खाद वितरण केंद्र पर किसानों में रोष देखने को मिला। किसानों का आरोप है कि वह 4 दिन से लगातार सुबह से शाम तक लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें खाद मुहैया नहीं कराया जा रहा है। किसानों का यह भी आरोप है कि रात के समय खाद वितरण केंद्र से रात के अंधेरे में खाद की कालाबाजारी की जाती। किसानों के हंगामे को देखते हुए मौके पर बद्रवास के तहसीलदार पहुंचे, तब कहीं समझाइश के बाद किसान लाइन में लगने को राजी हुए। तहसीलदार प्रदीप भार्गव ने कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी, नियम के अनुसार खाद वितरण किया जाए एवं किसी किसान को कोई भी किसी तरह की परेशानी न हो। तो लंबे समय से लोग बाग किसान लाइन में लगे, खाद नहीं मिल पा रहा है, इसे क्या कारण बनना है? भाजपा प्रशासन में, शासन में तो लोगों को खाद नहीं मिल पा रहा है। शासन और प्रशासन के लोग सब मिले हुए हैं। यहाँ स्थिति ये है कि किसानों के साथ एक तरह से अत्याचार हो रहा है। सुबह से रात भर आदमी लाइट में जला, सारी रात आदमी लाइट लाइट के इंतजार में खड़ा रहता है। किसान बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है। खेत के लिए, खेत से निकलता है सुबह यहाँ के लाइन खेत खाद के लिए लग जाता है, खाद लेने के लिए आता है, इसके बाद भी दो दो तीन तीन दिन में खाद नहीं मिल पा रहा आदमी। कई लोगों को 150-150, 200-200 कट्टे ये लोग ब्लैक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो ब्लैक भाई? किसान आदमी सुबह से बेचारा परेशान है, उसको खेत के लिए दे दो। दलालों की सरकार है, कोई बड़ा दलाल है, कोई छोटा दलाल है। दादा क्या नाम है आपका? मुकेश। कहाँ से आए हो? कब से लगे हो लाइन में? लाइन में 3 दिन हो गए, 3 दिन से भगा दिए जाके, दिन डूब गया, भग जाओ 4 बजे से बंद कर दिए। क्यों कर दिए? और भी तो दे रहा है 100-100 कट्टा, 150-150 कट्टा, रात में बेच खाते हैं। शिकायत की कभी? शिकायत तो नहीं करी। अब मैं क्या कर रहा हूँ साहब, विकलांग आदमी में कितने शिकायत कर जाऊँ भैया। लाइन में कब से लगे हो खाद की? मैं 4-5 दिन हो गए। तो 4-5 दिन से खाद नहीं मिल पाया। लाइट हो जाती है, बरबुल लगते हैं, बढ़ नहीं रहे, पढ़ने देते नहीं है। वैसे नाम लग रहे थे रजिस्टर में, 100-100 कट्टा दे रहे हैं बड़े-बड़े आदमी। वैसे बड़े-बड़े आदमी 100-200 कट्टा रात भर का। कितने कितने कट्टे? 100-200 कट्टे दे रहे हैं। तो कब ब्लैक में या फिर रात में ही चले जाते हैं? खाली हो जाते हैं। कहाँ से आए हो तुम? मैं इसी से। क्या नाम है आपका? गोपाल यादव। दादा कब से लगे हो लाइन में? अरे 3-4 रोज हो गए, 4 रोज से डेली जा रहे हैं, मिले नहीं पा रहा हूँ खाद। आई साहब सवेरे से आ जाते हैं बगैर नाश्ता के, शाम के घर जाते हैं। आई साहब रात को पानी देते हैं, फिर आ जाते हैं यहाँ पे, आधी नहीं मिल रहा। 5 कट्टा दे रहे हैं साहब, 200 बीघा काशकार, 5 कट्टे से क्या होगा? कहाँ से आए हो? दादू खड़ी से। कभी शिकायत की अधिकारियों को? शिकायत का करें, हमारी कौन सकता है सरकार? बीजेपी सरकार कौन शिकायत सुनेगा? ये भाजपा तो किसानों की सरकार है। अरे किसानों की नहीं है साहब, किसानों की होती लेन में क्यों लगती? किसानों की सरकार होती तो लेन में क्यों खड़ी होती यार? क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। भार्गव साहब क्या समस्या बनती है, जो खाद की क्या शॉर्टेज आ रही है, फिर ये बब्बर किस बात का है? कोई समस्या नहीं बनती है, ना तो मेरी यहाँ व्यवस्था है बैठने की, मैं मैदान में खाद बांट रहा हूँ, ना पुलिस व्यवस्था है, ना प्रशासन की देखभाल है। अनदेख करके अब मैं अपनी रिस्क पे खाद बांट रहा हूँ, केस लुट जाए, कुछ हो जाए, ना कोई सुनवाई है, ना वो है। जनता अलग चढ़ती है, पब्लिक, किसान, नेता सब परेशान कर रहे हैं। तो आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिला? कहाँ देख रहे हो आप, आज आप आए हो, कल कोई प्रशासन था? कल हमें घेर लाए, केस लुट जाए, कुछ हो जाए, तो इसका कौन जिम्मेदार है? हैं जब बीच मंदिर मैदान में अपन केस वो बांट रहे हैं, कोई कुछ घटना घट जाए उसका कौन जिम्मेदार होगा? वरिष्ठ अधिकारियों से बात की आपने? वरिष्ठ अधिकारी में श्रीमान जी को लिख के दे चुका था कि मेरी व्यवस्था की जाए, कमरा व्यवस्था है, कमरा नहीं है, मैदान में खाद बांट रहे हैं। नहीं किसानों ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप किसानों को खाद न देते हुए आप ब्लैक में खाद बेच रहे हैं। जो लाइन में लग रहे हैं हम उसको दे रहे हैं, हम उसकी पहचान नहीं जो किसान है या कब दलाल है, जिससे कोई मतलब नहीं है। जो है उसको हम दे रहे हैं लाइन में लगा के, जो गलत है किसान का। कितने कट्टे की रसीद बना रहे हैं आप? कितने कट्टे रसीद बना रहे हैं आप? कितने कट्टे की बना रहे? 5 कट्टे से ज्यादा। सर खाद को लेके हर वर्ष ये समस्या आती है सर, ऐसे क्या कारण बनते हैं जो खाद प्रॉपर किसानों को नहीं मिल पाता है? देखिए खाद आपके सामने ही लाइन लगी हुई है, व्यवस्थित रूप से खाद बट रहा है, कुछ भी अव्यवस्थाएं थी जिसको हमने आके व्यवस्थित रूप से सर आपके सामने लगी व्यवस्था, तो इससे पहले तो टोटल व्यवस्था भंग है ना इनकी, ऐसे क्या कारण बनते हैं जो समेट नहीं पाते? हमने इनको निर्देशित किया है और यदि ये लापरवाही करेंगे अब यदि इसमें, तो इन पर भी कार्रवाई करेंगे। यदि अव्यवस्था होती है तो हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। आपके आने से एक नया नियम बना दिया उन लोगों ने क्या? किताब का कल आधार से दी, आज किताब से दे रहे हैं? नहीं, ये तो जो निर्देश है सरकार शासन से, जो सर्कुलर है, निर्देश है, पत्राचार हुआ है, उसमें जो व्यवस्था है उसी के हिसाब से दे रहे हैं। तो कल आधार कार्ड से दिया था लोगों ने? अलग से कोई भी नहीं, कल की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो निर्देश है मैंने बोला है उस निर्देश के अनुसार बांटेंगे। उसमें जो जो दस्तावेज की आवश्यकता है वो लेके उन पर एंट्री करके
और अपने यहाँ पे रिकॉर्ड रखे, पर्याप्त रूप से जांच करके बांटेंगे। सर, जिले के बदरवा तहसील में हर वर्ष खादी कालाबाजारी होती है, पकड़े भी जाते हैं लोग, ऐसे क्या कारण बनते, कार्रवाई नहीं हो पाती आज तक? नहीं, कालाबाजारी में जो पकड़े जाते हैं उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होती है। आप तो सर हर वर्ष होती है कालाबाजारी? आप हमें बताइए, है ना, हम पकड़ेंगे, कार्रवाई भी करेंगे, कार्रवाई नहीं हो तो आप बताइए, उनके साथ बोलिए। थैंक यू।